टाइटेनिक एक ऐसा जहाज था जो कि कभी नहीं डूबने वाला था। तो बात अब यह आती है कि जब वो कभी डूबने वाला नहीं था तो टाइटेनिक जहाज जो था वो डूबा कैसे। टाइटेनिक इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा के लिए 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। चार दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक एक हिमशिला से टकराकर डूब गया। टाइटेनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक तेजी से चलना था। टाइटेनिक के मालिक जे ब्रूस इसमें ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज अत्यधिक तेजी से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक को 6 चट्टानों की चेतावनी मिली। कप्तान को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज आसानी से मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अत्यधिक गति होने के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। इस चट्टान से टकराने के बाद जहाज के अगले वाले हिस्से में छेद हो गया और रात के तकरीबन 11:40 पर जहाज पूरी तरह से डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गया। जिस समुद्र में टाइटेनिक डूबा था उस समुद्र के पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण मनुष्य का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटेनिक के डूबने से 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास के सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। लेकिन मुझे अभी भी एक बात पर विश्वास नहीं होता कि जब टाइटेनिक का स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसे इस तरह से बनाया गया कि वह कभी भी समुद्र में डूबेगा नहीं। तो सिर्फ एक आइसबर्ग के टकरा जाने से पूरी टाइटेनिक समुद्र में समा गई, यह बात कुछ अलग तरह से है।